हेलो फाइटर्स। सो आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज अ बॉक्सर आप तभी ग्रो कर सकते हो जब आपका हैंड स्पीक ये बहुत ही सही हो, बहुत ही अच्छा हो। अदरवाइज आप एज अ बॉक्सर कभी शाइन नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, सो आज इस वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने हैंड स्पीड को बढ़ा सकते हो, चाहे आपके पास पंचिंग बैग हो या ना हो, आपको जिम में जाते हो या ना जाते हो। ऑलराइट, तो पहले मैं कुछ ड्रिल्स ऐसे बताऊंगा जो करके अब अपने पंचिंग स्मूथनेस को इंडिविजुअली, लाइक स्ट्रेट पंच, हुक, अपरकट, ऐसे इंडिविजुअली पंच को अच्छा स्मूथ बना सकते हो, जो करके आपका हैंड स्मूथनेस विद इन वन मंथ आप नोटिसेबल चेंजेस जो वो देख पाओगे। एंड जब चेंजेस आप देखोगे कमेंट में बताना मत भूलना। आज वीडियो आप देख लो, एक मंथ बाद मेरे को आप लोगों का कमेंट चाहिए कि आप वो फील कर पाए हो कि नहीं। अगर सही से कर रहे हो मार्क माय वर्ड आप फील कर पाओगे। ऑलराइट, मैं आपके स्टूडेंट्स को भी ये ड्रिल देता हूँ, बिगिनर लोगों को ये ड्रिल देता हूँ, ताकि उन लोगों का जो हैंड स्पीड है, नॉट स्पीड, जो सही वर्ड होगा वो होगा स्मूथनेस। तो जो हैंड स्मूथनेस है वो इंप्रूव हो सके। ऑलराइट, एंड उसके साथ साथ एलीट कॉम्बिनेशन फिटनेस एकेडमी में बहुत ज्यादा लिमिटेड सीट है अभी। सामने दुर्गा पूजा आ रहा है, तो उससे पहले अगर आप बुक नहीं करोगे सीट, मे बी सीट फुल हो सकता है। आपका गोल फिटनेस हो या कॉम्बैट हो, डजंट मैटर, आप ECFA में एडमिशन ले लो, दोनों के लिए अलग अलग स्केड्यूल है। तो देर मत करो, हड़ी अप, क्योंकि बहुत ज्यादा सीट लिमिटेड है। जो भी कोर्स डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर सकते हो। आपका अगर कोई भी हेल्प चाहिए अबाउट फीस स्ट्रक्चर, अबाउट क्लास टाइमिंग एंड एनीथिंग अबाउट ECFA, coach_ECFA जो आप देख रहे हो स्क्रीन में, उधर आप मैसेज कर देना। जो टीम है वो ऑफिशियल अकाउंट है, उधर मैं नहीं रहता हूं, तो जो टीम है वो आप लोगों के हेल्प कर देगा। ऑलराइट, वीडियो में स्टिक रहो, वीडियो को एंड तक अच्छे से हर एक पॉइंट देखो। ऑलराइट, सो ड्रिल नंबर वन देखो। सो पहले हम लोग क्या करेंगे कि हर एक पंच को लेके आइसोलेटेड ड्रिल करके हर एक पंच को स्मूथ बनाएंगे, उसके बाद सारे पंच को एक साथ करके हम लोग जो लास्ट ड्रिल है वो करेंगे। सो फर्स्ट, इंटेंसिटी कितना रहेगा? 5-10%। बहुत ज्यादा बिगिनर का ऐसा इशू होता है कि वो लोग चाहते हैं कि बैक को हम लोग का डेली किल कर दे तो ही पंचिंग का पावर बढ़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। डेली अगर आप पावर पंच कर रहे हो तो उससे कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, ऊपर से इंजरी मिलेगा वो अलग से। मेरे को क्या करना है, 5-10% इंटेंसिटी रखना है एंड पंच करना है स्ट्रेट, ना तो ऊपर ना तो ज्यादा नीचे, स्ट्रेट पंच करना है। आपको ये करते जाना है कितना देर, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 30 सेकेंड, 2 मिनट, अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर स्ट्रेंथ आपको ये करते जाना है। देख लो कैसे, तो ब्रीदिंग एक बार देख लो, मैं 4-5 में ब्रीद आउट कर रहा हूं, लाइक दिस। अभी दिस इज नॉट अ कमिटेड पंच, तो मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं कर रहा हूं, इतना कमर नहीं घूम रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इधर थोड़ा सा लेग रिस्पॉन्ड करेगा, कमर ओनली वो रिस्पॉन्ड करेगा, ना तो ओवर कमिटेड पंच। सो आपको क्या करना है, अब देख सकते हो कमर थोड़ा सा घूम रहा है लेकिन पूरा नहीं, like this, and very important beginner mistake वो ये है कि ऐसे, ये क्या है, down करो हर एक पांच के बाद। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये ठीक है। एंड और एक इशू ये है कि आप ऐसे करते हो, नहीं नीचे नहीं आना चाहिए, गार्ड चिन डाउन रखो हमका हमेशा, जो फॉर्म है, जो अपना यू नो जो स्टांस है उसको सही रखो। एंड आपको ये करते रहना है, आपको ब्रीदिंग दिखा दिया, आपको लेवल दिखा दिया, अगर आप चाहते हो कि शोल्डर एंड्योरेंस बढ़े तो उसको थोड़ा सा आप कर लो, एज सिंपल एज दैट। सो ये रहा राउंड नंबर वन, अभी जाता हूं मैं राउंड नंबर टू में। अभी करना है हुक्स अगेन, ये है आपका डिस्टेंस, थोड़ा सा आगे आ जाओ, हाफ हैंड से थोड़ा सा ज्यादा हुक्स, सो ना तो ऊपर ना तो बॉडी, बीच में ये ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते रहो, कैसे देख लो, लाइक दिस। अगर ऐसे हुक करते हो डू लाइक दिस, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं अगेन ये ब्रीदिंग सेम रहेगा, लाइक दिस। एक बार देख लो, आई गेस माइक में आ रहा है ब्रीदिंग का साउंड, चलो Like this. So, एक ड्रिल आप ये भी कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो,
रील आप कर सकते हो लेकिन इतना स्पीड में नहीं। बहुत ज्यादा यूजफुल है स्टेमिना वाइज, स्ट्रेंथ वाइज। अब कुछ देर करने के बाद ये हो जाएगा, लेकिन आपको करना है क्या, ब्रीथ कैच। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिलैक्स रहो थ्रू आउट द राउंड। करते करते ये नहीं करना है, ऐसे नहीं हो जाना है, नाइस रन रिलैक्स। सो ये ऑलराइट, सो ये हुआ राउंड नंबर टू। टाइमिंग अगेन सेम, एक मिनट, डेढ़ मिनट, दो मिनट, 30 सेकंड, 45 सेकंड, अकॉर्डिंग टू शोल्डर स्ट्रेंथ, क्योंकि ये शोल्डर के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग वर्कआउट्स हैं। ठीक है, तो हुक्स एंड स्ट्रेट पंच हुआ खत्म। अभी आते अपर कट। अभी देखो अपर कट का सीन ऐसा है कि मैक्सिमम लोगों के घर में अगर आप बैग रखते हो या जिम में, ऐसे स्ट्रेट बैग होता है जो ट्रेडिशनल बैग होता है, अपर कट के लगेगा आपको एक सर्कल बैग, मैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपका सर्कल बैग अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। सो राउंड नंबर थ्री सेम अपर कट, ये व्हाट्स माय शोल्डर लाइक दिस, शोल्डर स्नैप आपको रखना है साइड सेम, ये। तो मैं इंडिविजुअली हर एक पांच का जो स्मूथनेस है वो मैं इंक्रीज कर रहा हूं। चलो अगर आपका सर्कल बैग अवेलेबल है तो मैं दिखाता हूं वहां पर आप कैसे करते हो। नाउ अगर आपके पास कोई ऐसा बैग हो तो आप आराम से अपाकर जो है वो कर सकते हो। कैसे देख लो, लाइक दिस, ये नहीं, ये नहीं, ये बिगिनर इश्यू है, कभी नहीं। आपको क्या करना है, ये देखो शील्ड, ये करना है आपको विथ प्रॉपर शोल्डर लाइक दिस। ठीक है, अगेन लेग रेस्पॉन्ड करेगा। सो ये था बेसिक थ्री राउंड्स, जहां पर आप एक एक पांच को लेके आप क्या कर रहे हो, स्मूथनेस इंक्रीज कर रहे हो। लेकिन अभी करना है जो रियल चैलेंज है, वो क्या है, आपको पांच करना है। मैं काम कर तो मैं ये इस बैग में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऐसा बैग अवेलेबल नहीं होता। सो मैं अगेन स्विच करता हूं उस बैग में, आई गेस वो आप लोगों के लिए ज्यादा रियलिस्टिक। नाउ ये जो टिप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस राउंड में आपको अपने पांच के एंगल को चेंज करते रहना है, रैंडमली चेंज करना है। कैसे, पेस सेम रहेगा, इंटेंसिटी 5-10%, यू आर वर्किंग ऑन योर स्मूथनेस। ठीक है, सो उसको ध्यान रखते हुए सो राउंड नंबर यू नो फोर जो होगा वो ऐसे, ये आप अगर टच कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, सो अगेन एंड ध्यान रखना कंटिन्यूअसली कि आपका जो शोल्डर हो वो स्टिफ ना हो जाए। बहुत सारे बिगिनर का शोल्डर स्टिफ होने का इश्यू होता है, सो वो ध्यान में रखना है। एंड लाइक दिस अब अपने पंचिंग एंगल को चेंज कर रहे हो। सो इससे क्या होगा, बहुत सारे बिगिनर का इश्यू होता है। मैं सोचो आप लोग, मैंने बोला जैब क्रॉस लेफ्ट हुक, सो क्या प्रॉब्लम क्या होगा, लेफ्ट हुक लाने के टाइम को सोचना पड़ेगा, एल्बो उठाना पड़ेगा, फिर लाइक यू नो, अगर आप सोचने में टाइम वेस्ट करोगे स्पार्डिंग में आपको टाइम नहीं मिलेगा। सो ये ड्रिल आपको क्या हेल्प कर रहा है, जब जो भी आप एंगल में पांच करना चाहते हो, इट्स ऑल अबाउट एल्बो पोजिशन, इट्स ऑल अबाउट द फिस्ट पोजिशन। जब आप स्ट्रेट कर रहे हो आपके फिस्ट ऐसे हैं, एल्बो बाहर है, जब आप हुक कर रहे हो कर्व मोशन, आप ऐसे कर रहे हो चाहे ऐसे कर रहे हो, अप टू यू। ये एंड अपर कट एल्बो डाउन लाइक दिस, सो इट्स ऑल अबाउट द एल्बो एंड फिस्ट पोजिशन, राइट। सो तो वही आपको यू नो मसल मेमोरी करना है कि कौन से पंच करने का टाइम एल्बो एंड फिस्ट को कैसे चेंज करना है, तो उससे आ जाएगा आपका स्मूथनेस। अगेन प्रैक्टिस करते रहो सही से, जैसे आप मैंने राउंड आप लोगों को बोला, एंड मेरे को कमेंट में बताना आफ्टर वन मंथ, और इंस्टाग्राम बोल सकते हो आप, जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है उधर बोल सकते हो। ऐसे ड्रिल अगर आप कर रहे हो तो आप कोच और _ECFM में टैग कर सकते हो, हम लोग रिपोस्ट करेंगे, देखेंगे वो आप कैसे कर रहे हो। अगर कोई सजेशन देना हो तो हम लोग दे देंगे, ठीक है। सो ऑलराइट, सो ये रहा आज का वीडियो। अगेन हैंड स्मूथनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बॉक्सिंग। अगर आप सोच रहे हो पांच मारने से पहले कि वो पांच होता कैसे, तो आप अच्छा बॉक्सर नहीं हो। आप तभी आप अच्छा बॉक्सर होगे जब आपको पांच के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब हुक सो हुक विद इन अ सेकंड। सो ये आज का वीडियो, अच्छे से ट्रेनिंग करते रहो, टाइम दो थोड़ा सा, कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग करते रहो, ये ड्रिल को परफॉर्म करते रहो, देखना लाइक डे बाय डे आपका जो स्किल्स है वो इंप्रूव होता रहेगा।
ऑलराइट। सो ये आज का वीडियो, सब्सक्राइब करते रहो एंड लाइक करते रहो वीडियो को, ताकि और भी ज्यादा अच्छा सा कंटेंट, क्योंकि ऑडी कॉम्बैटिव इक्वल्स टू द ग्रेट बॉक्सिंग नॉलेज, जो आप इंडिया में उतना नहीं मिलेगा आप लोगों को कोई भी यूट्यूब चैनल में। ऑलराइट, सो सब्सक्राइब करते रहो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी। हरण महादेव, गुड बाय।